हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है एकलव्य ऑनलाइन क्लासेस में। और देखो, यहाँ अपन बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में, और आज अपन पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट या सीरीज एलसीआर सर्किट। ओके, तो ध्यान दें एक बार के लिए इसमें। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन डायग्राम बनाएंगे इसका। देखो, यहाँ पे एक एल मान लो आप, ये एल है, और यहाँ पे एक कैपेसिटेंस मान लो सी, और ये रेजिस्टेंस मान लो आप आर। वैल्यू का रेजिस्टेंस इसका आर मान लिया अपन ने, और जो कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस सी मान लिया, और जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस अपन ने एल मान लिया। इन तीनों को सीरीज में अपन ने जोड़ दिया, और एक सोर्स अपन ने इसमें अप्लाई कर दिया, एसी सोर्स, ठीक है ना। तो अभी देखो, जो सोर्स है वो आपका अल्टरनेटिंग सोर्स है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ई इक्वल टू मान लो है ई नॉट साइन ओमेगा टी। बिकॉज आपके सिलेबस में जो अपन पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग सोर्स, वो अपन ये वाला पढ़ते हैं ओनली, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, लास्ट लेक्चर में अपन देखा है यहाँ पर कि ये जो करंट यहाँ बनेगा उस करंट को कितना अपोज करेंगे, तीनों एलिमेंट मिलके उस करंट को कितना अपोज करेंगे, उस चीज को अपन ने कहा था इंपीडेंस। उसका नाम क्या होता है? इंपीडेंस। बट ये है अपोजिशन ही, इसका सिंबल यहाँ पे होगा जेड, और ये आपका आया था रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। और एक और चीज अपन देखी थी अपन यहाँ पर कि जो फेज का डिफरेंस होगा tan phi, वो यहां से आया था xl माइनस xc अपॉन r। तो इस लेक्चर को आगे प्रोसीड करने से पहले यह आपको आना चाहिए इतना, तो है ना। ये अपन ने पढ़ रखा है, मान लो करंट i है यहां पर, तो करंट और वोल्टेज में कितना फेज का डिफरेंस होगा वो आपको यहां से मालूम पड़ जाएगा। आज अपन बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन, कि ये सर्किट जो है एलसीआर सर्किट जो है वो किस कंडीशन में रेजोनेंस में कहलाएगा, रेजोनेंस में कहलाएगा। तो ध्यान दें इसके आप कि इफ इफ इंपीडेंस ऑफ सर्किट इज मिनिमम एंड करंट इज मैक्सिमम देन सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंट कंडीशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस कंडीशन, कि एक ऐसा पोजिशन, एक ऐसा कंडीशन जिस टाइम पर सर्किट का जो करंट है आई वो हो मैक्सिमम, और जो इसका इंपीडेंस है वो क्या हो? मिनिमम। जितना मिनिमम कितना पॉसिबल है अभी अपन बात करेंगे, बट जो मेन थीम लाइन आपकी इसके यहां पर रहेगी, मेन लाइन वो आपकी ये रहेगी कि जो इंपीडेंस है दैट शुड बी मिनिमम। मतलब कि जो Z का वैल्यू है वो यदि कम से कम हो सके, जितना कम हो सके वो अपन करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और उस टाइम पर जो करंट बनेगा वो ऑब्वियसली हाई बनेगा, बिकॉज करंट और जो इंपीडेंस है बोथ आर इन इनवर्स। सो यदि आपका Z कम से कम होगा एट दैट टाइम द करंट विल बी मैक्सिमम। ओके, तो अब देखो इसमें इस Z को कम से कम करना आपको, देखो अपने को ऐसा भी नहीं करना कि अपने को R को जीरो कर दिया, क्योंकि यदि आप R को जीरो कर दोगे तो उस केस में ये सर्किट जो है वो एलसीआर नहीं कहलाएगा, है ना। तो कुछ बच्चों को दिमाग में ये आता है कि सर आप आर को जीरो कर दो या आप एक्सएल को जीरो कर दो, है ना, तो आपका जेड कम से कम हो जाएगा। नहीं, आपको इन तीनों एलिमेंट को रखना भी है, और इन तीनों को रखते हुए आपको जेड को कम से कम करना है। तीनों एलिमेंट वहां पे सर्किट में प्रेजेंट होने चाहिए, एल भी होना चाहिए, सी भी वहां पर होना चाहिए, और आर भी वहां पर होना चाहिए, और उसके बाद में आपको उस जेड को कम से कम करना है, अपने मिनिमम पॉइंट पे लेके आना है ना। देखो इसमें इसको कम से कम करने के लिए ये वैल्यू पे आप ध्यान दो कि ये वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। अब देखो, ये वैल्यू कम से कम करने के लिए सोचो कि यहां पर ये जो चीज है वो आप जीरो कर सकते हो। आप, मैं अकेले एक्स एल को जीरो नहीं कर रहा, और ना ही मैं अकेले एक्स सी को जीरो कर रहा हूं, नहीं, मैं जीरो कर रहा हूं इस पूरे कंबाइंड टर्म को। क्योंकि यदि ये जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है, जो इंपीडेंस है, वो अपना कम से कम हो जाएगा, है ना। अब देखो आप यहां पे कि एट रेजोनेंस कंडीशन पहला पॉइंट होगा आपका कि Z जो होगा वो क्या होगा? कम से कम होगा, Z विल बी मिनिमम, ये इसकी कंडीशन होती है। और ये कम से कम कब पॉसिबल है? जब अपन इस पूरे टर्म को जीरो मान ले, है ना। देखो इसको अपने यदि नेगेटिव मानेगा, नेगेटिव अपन मानेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे दैट बिकम पॉजिटिव, इसीलिए नेगेटिव मानने का कोई फायदा नहीं होगा आपको यहां पर।
तो अच्छा ऑप्शन ये है कि उसको आप जीरो मान लो, आप जीरो का स्क्वायर प्लस एक आर स्क्वायर, इसको आप देखोगे ना तो ये आपका आएगा आर के बराबर। मतलब कि रेजोनेंस के टाइम पर जो सर्किट है एलसीआर सर्किट जो है, उस एलसीआर सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा वो कम से कम होगा और वो आर के बराबर होगा, वो आर मतलब कि रेजिस्टेंस के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अच्छा अब आपने एक्सएल को, एक्सएल माइनस एक्ससी को आपने जीरो मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा एक्ससी, और ये एक काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एलसीआर के रेजोनेंस में होने की, कि एलसीआर रेजोनेंस में कब कहलाएगा, जब वो एक्सएल और उसके एक्ससी की जो वैल्यू है वो बराबर होगी, एट दैट टाइम द सर्किट विल सेट टू बी इन रेजोनेंस। तो एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्ससी। अब यहां पे एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, आप याद करो एक्सएल मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्ससी जो है दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहां से पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये भी हो गया। एक बार आप इसको नोट कर ले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले एक बार ना, मैं आगे मूव करूंगा इसमें। तो रेजोनेंस के टाइम पे कितनी कहानियां होती है पैरेलल में, है ना, वो सारी बातें आपको याद करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, है ना, न्यूमेरिकल्स के लिए। और कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि राइट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट, कि जब सर्किट एलसीआर आपका रेजोनेंस में है उस टाइम पे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है आपका। तो आपको वहां लिख के आना है कि जेड वहां पे कम से कम होगा और वो आर के बराबर होगा, और जेड जीरो कम से कम करने के लिए आपको इस टर्म को जीरो बनाना पड़ेगा, और यदि ये जीरो बनाएंगे अपन तो उसमें आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्ससी, ठीक है ना। चलो इसको नोट करिए आप, और देखो इसमें आगे की जो पॉइंट है रेजोनेंस के बारे में वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। ना सोचना आप इसमें ना कि बताओ इसमें मुझे कि एट रेजोनेंस, है ना, अपन जो भी बातें कर रहे हैं वो अपन बात कर रहे हैं रेजोनेंस के टाइम की, एट ए रेजोनेंस। तो एट रेजोनेंस जेड अपना कितना आया था, आर के बराबर। अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी पीक वैल्यू, रेजोनेंस के टाइम पर सर्किट का पीक वैल्यू क्या होगा। तो पीक वैल्यू होता है आई नोट, और वो क्या होगा आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ई नोट अपॉन जेड। यदि आपको पीक करंट निकालना है तो यहां पर वोल्टेज भी कौन सी आएगी, पीक वोल्टेज आएगी, तो यहां पर ई नोट ठीक है। और बात कर रहे हैं अपन रेजोनेंस के टाइम की, तो उस टाइम पर जेड कितना होता है, आर के बराबर। तो आई नोट इक्वल टू आ जाएगा ई नोट अपॉन आर। इस फॉर्मूले से अपन जो पीक वैल्यू है करंट का वो अपन निकाल पाएंगे आराम से। ये सेकंड पॉइंट आ गया, है ना। थर्ड पॉइंट आ गया, जो फोर्थ पॉइंट अपन देखेंगे वो देखो आप कि रेजोनेंस के टाइम पर जब सर्किट रेजोनेंस में है उस टाइम पर फेज का डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि फेज का डिफरेंस जो है वो डिपेंड करता है एक्स एल एक्स सी और आर के ऊपर। तो अभी अपन बात करने वाले हैं कि रेजोनेंस के टाइम पर फेज डिफरेंस क्या होगा, कि करंट और वोल्टेज में फेज का डिफरेंस क्या होगा, है ना। तो जो फेज का डिफरेंस का जो बेसिक फॉर्मूला है वो अपन यहां पे अप्लाई करेंगे, ये होता है एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, है ना। और देखो एट रेजोनेंस दिस टर्म बिकेम जीरो, ये है ना न्यूमरेटर, तो यहां पे आएगा जीरो अपॉन आर एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। अब टेन फाइव इक्वल टू जीरो आ गया तो फाइव कितना आएगा, जीरो डिग्री, क्योंकि टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो यहां पे आपको मालूम पड़ रहा है कि टेन फाइव जीरो आ गया, देन ऑब्वियसली आपका फाइव कितना आएगा, जीरो डिग्री। मतलब एक और चीज यहां से मालूम पड़ी कि एट रेजोनेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, रेजोनेंस के टाइम पर करंट और जो वोल्टेज है सर्किट का वो दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, क्योंकि यहां से अपने को ये मालूम पड़ रहा है। तो अभी आपको एक चीज का ना आपको फील आपको आ रहा होगा कि यदि अपने को इतना मालूम रहे कि एक्स एल माइनस एक्स इक्वल टू जीरो होता है रेजोनेंस के टाइम पर, तो सारे रिजल्ट अपन खुद निकाल लेंगे, अपन सारे पॉइंट अपन खुद ही अपन ड्राइव कर लेंगे, है ना। और इन पॉइंट को लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो ये आप नोट करते रहो लगातार, ये फोर्थ पॉइंट है ना। अच्छा अब आप याद करो कि फाई जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट में और वोल्टेज में कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है, मतलब कि बोथ आर, है ना, बोथ आर इन सेम फेज, बोथ आर इन सेम फेज। और इसका मतलब ये भी होता है कि दोनों सेम फेज में है, इट मींस कि जब सर्किट का करंट मैक्सिमम है उसी टाइम पे उसकी वोल्टेज भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो यहां पे वोल्टेज क्या हो रही है, वेरिएबल है, तो जिस टाइम पे आपका वोल्टेज पीक पर है
उसी टाइम पे उसी सर्किट में जो करंट होगा वो भी कहां पर होगा, पीक में होगा। अब यदि किसी टाइम पर मान लो वोल्टेज है ना बॉटम पॉइंट पे आ गया, लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया, तो उस टाइम पे करंट भी क्या होगा, लोवेस्ट पॉइंट पर। फेज का मतलब यही होता है ना, यदि फेज मान लो पाई का होता मतलब कि 180 का, इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी टाइम पे सर्किट में वोल्टेज मान लो पीक पर है ओ, और यदि वहां पर फेज पाई के बराबर है तो उस टाइम पे करंट क्या होगा आपका, मिनिमम होगा। मतलब कि दोनों कहानी क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है, बट वो समझने के लिए है। अभी अपन देखिए यहां पर फेज का डिफरेंस जीरो है, मतलब कि दोनों साथ में तो बढ़ते हैं और साथ में क्या होंगे, कम होंगे, कब, एट रेजोनेंस कंडीशन। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं रेज कर रहा हूं यहां से, आगे और ध्यान दो इसमें आप। फिफ्थ पॉइंट है ना, अब देखो फिफ्थ पॉइंट आपको ये निकालना होता है यहां पे कि व्हाट विल बी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। पहली बात तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब अकर होगी, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस कंडीशन। अब अभी आपको ये निकालना है कि जब सर्किट जो है वो रेजोनेंस में है उस टाइम पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जो सोर्स की वोल्टेज जो है वो एक सेकंड में कितनी बार साइकिल पूरी कर रही है। फ्रीक्वेंसी का बेसिक मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल इन वन सेकंड, है ना, क्योंकि ये वोल्टेज वेरिएबल है बार बार साइन की फॉर्म में। ओके, तो इसको फाइंड करते हैं अपन, तो रेजोनेंस की बात कर रहे हैं यहां पर, तो रेजोनेंस के टाइम पे एक्सएल क्या होता है, एक्स के बराबर होता है। पहली बात तो ये बेस लाइन आपकी रहेगी। अच्छा, एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये होता है एल इंटू ओमेगा। काफी बच्चों को डाउट यहां पर ये रहता है कि जो एल है वो आर के सिमिलर है, नहीं, एल तो इंडक्टेंस है और आर एक अपोजिशन है। तो फिर अपना सवाल ये आता है कि सर आर के सिमिलर यहां पर कौन कौन होंगे, तो जैसे यहां पर रजिस्टर में अपन आर बोलते हैं उसी प्रकार से इंडक्टर में अपन उसको बोलते हैं एक्स एल, और कैपेसिटर में क्या बोलेंगे उसको अपन एक्स सी बोलेंगे। तो ये एल और ये एक्स एल बोथ आर डिफरेंट थिंग। एक्स एल जो है दैट इज द अपोजिशन बाय इंडक्टर, बट एल इज द इंडक्टेंस, एल इज द इंडक्टेंस। एक्स सी का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, यह आया था 1/Cω। अभी आपको यदि याद नहीं आ रहा है तो आप जो अपनी आपकी जो प्रीवियस लेक्चर है, वीडियोस जो है वहां जाके देखना आप, प्योर एल में पढ़ना। प्योर एल में आपने करवाया था कि एक्सएल इतना होता है और प्योर सी में करवाया था कि एक्स सी इतना होता है। अब यहां से आप ओमेगा को सेपरेट कर दो, आप ओमेगा को आपने सेपरेट कर दो तो ओमेगा स्क्वायर जो बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/LC। और यहां से अपन देखिए जो तो ओमेगा है वो कितना आएगा, देखो ये ओमेगा स्क्वायर है, आपको ओमेगा फाइंड करना है, तो यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहां पर जाएगा 1/√LC। ये है एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जो होती है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बट अभी अपन कहां की बात कर रहे हैं, एट रेजोनेंस, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अभी आपको ओनली फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको आना चाहिए कि 2π × f होता है। ओमेगा इक्वल टू होता है 2π × f, यहां पर f है फ्रीक्वेंसी और जो ओमेगा है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये कितना आपका ऑलरेडी आ चुका है 1/√LC। तो यहां से जो अपन f निकालेंगे वो आपका आ जाएगा 1/√L(c), 1/√π में रूट एल सी, और ये कहलाती है आपकी एफ आर, मतलब की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना। देखो ध्यान देना कि ये ओमेगा है, ये है एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और जो एफ है वो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यदि क्वेश्चन में आपको ओनली इतना पूछता है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, उस टाइम पे आपको एफ निकालना होता है, और यदि क्वेश्चन में आपको मेंशन करे कि यू हैव टू फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो अपन ये निकाल लेंगे आराम से, ठीक है ना। ये आप नोट कर ले और इस फॉर्मूले को आप याद में रखना, इस चीज को काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए आप फटाफट से ना। एफ आर, आर स्टैंड फॉर रेजोनेंस, है ना। और देखो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लो अपने घर में बहुत सारी डिवाइस होती है, टीवी है, फ्रिज है, इन सब में जो सर्किट होते हैं वो LCR ही होते हैं, है ना, क्योंकि इन सबका अपना अपना रोल होता है। आर का अलग रोल है, सी जो है एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटर, और एल जो है वो है ना एनर्जी सप्लाई करता है ना, जब अपन सर्किट को ना ऑन ऑफ करते हैं उस टाइम पर। तो
इन सबका अपना अपना रोल होता है, और इसीलिए हर सर्किट में आपको जनरली तीनों आपको एलिमेंट मिलेंगे, एल भी होगा, सी भी होगा, आर भी होगा। अब आपका टारगेट ये होता है कि करंट जो है सर्किट में मैक्सिमम बने। हर बार अपन ये चाहेंगे कि करंट जो है वो क्या हो, पीक पर हो, क्योंकि यदि करंट पीक पर होगा तो उसका जो एनर्जी बनेगा वो पीक पर होगा, एनर्जी पीक पे होगा तो अपने को फायदा उसका ज्यादा होगा। तो अपना मेन टारगेट क्या है कि करंट क्या हो, पीक पर हो, और करंट पीक पे कब होता है, रेजोनेंस में, और रेजोनेंस कब आएगा, जब फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इतना। इसीलिए अपने इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी अपन रखते हैं, 50 हर्ट्ज। आपने सुना होगा कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, क्योंकि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हर एलसीआर सर्किट जो है वो रेजोनेंस को गेन कर लेता है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर हर रेजोनेंस सर्किट जो है वो हर एलसीआर सर्किट जो है वो रेजोनेंस कंडीशन में होता है, और रेजोनेंस में होगा तो फायदा अपने को भी होगा उस चीज का। इसलिए पूरी कहानी काफी इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, और गवर्नमेंट इस चीज का बहुत ध्यान रखती है इस चीज का कि वो FR को 50 मानती है, और FR 50 करने के लिए L और C की वैल्यू को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज फिक्स आ गई ना। अब इसका वैल्यू 50 लेके आने के लिए L कितना ले और C कितना ले वो डिपेंड करता है सर्किट बाय सर्किट, सर्किट बाय सर्किट। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है बेटा। तो ये कहानी अपने पूरी पढ़ ली, हालांकि यदि आपको ये कहानी पूरी नहीं गई हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना आना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। ऑलराइट, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट थे, है ना। इसके अलावा लास्ट पॉइंट आप लिखो, 6 पॉइंट, इन रेजोनेंस कंडीशन कंडीशन सर्किट बिहेव बिहेव एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। देखो ये भी पॉइंट काफी कॉमन पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम पे फाई कितना आया आपका, जीरो आया, और फाई जीरो कब आया था आप याद करो, पहले जब प्योर अपन ने आर पढ़ा था, प्योर रेजिस्टिव। तो इसीलिए अपन इसको ये बोल सकते हैं अपन कि रेजोनेंस के टाइम पे जो एलसीआर सर्किट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, है ना, क्योंकि यहाँ पे फाई कितना होता है, जीरो होता है, दैट्स व्हाई। ओके, इसको आप नोट डाउन कर ले एक बार। चलो थोड़ा आगे मूव करते हैं। अब देखो अपन दो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, तो ये इसकी पूरी कहानी अपन ने पढ़ ली, ठीक है ना। अब एक आधे अपन न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करेंगे जिससे आपको थोड़ा फील आएगा इसमें ना, ठीक है। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलसीआर सर्किट में एक तो क्वेश्चन बनता है रेजोनेंस के अंदर, और एक बनेगा एक जनरल टाइम पे, मतलब कि वहां पे रेजोनेंस हो भी सकता है और ना भी हो सकता है ना। तो ये आप ध्यान रखिए, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रेजोनेंस में है या नहीं है, या तो क्वेश्चन में आपको बोला हुआ आएगा कि रेजोनेंस में है तो वहां पे तो सारे पॉइंट काम में अपने आएंगे, है ना। और यदि नहीं बोला हुआ है तो आपने को वहां पर देखना पड़ेगा कि वो रेजोनेंस में है या नहीं है। और कैसे मालूम पड़ेगा सर रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस के टाइम पे XL का वैल्यू क्या होता है, XC के बराबर होता है। तो यदि न्यूमेरिकल में आपको ये लगे या आपको दिया हुआ आए कि X और XL और XC के है सेम वैल्यू के हैं तो वो रेजोनेंस में कराएगा आपको सर्किट। एक क्वेश्चन देखो आप, ए रजिस्टर ऑफ 50 ओम ए रजिस्टर ऑफ 50 ओम एंड एन इंडक्टर ऑफ 20/π हेनरी, देखो यहां पे ना 20/π हेनरी, एंड ए कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रो फेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज टू ए अल्टरनेटिंग सोर्स एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, देन फाइंड इट्स इम्पिडेंस। यहाँ पे आप इसको 230 करो, आप 230 वोल्ट है ना एंड 50 हर्ट्ज, देन फाइंड इम्पिडेंस।
इंपीडेंस। ये क्वेश्चन है काफी आसान क्वेश्चन है कि एक सर्किट में एक दो रजिस्टर है 50 ओम का, एक इंडक्टर है 20 अपॉन पाई हेनरी का और एक कैपेसिटर है 5 अपॉन पाई माइक्रोफैरड का। इन सबको आपने जोड़ रखा है और जो सोर्स का वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है और जो उसका फ्रीक्वेंसी वो कितना 50 हर्ट्ज है। आपको इसमें निकालना है कि व्हाट विल बी इट्स इंपीडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या ये क्वेश्चन जो है वो रेजोनेंस से है क्या? नहीं, आपको दिया हुआ नहीं है तो अपन इसको वहां से नहीं करेंगे। जो जनरल केस बनेगा वो देखो आप इसमें। तो देखो यहाँ पे एल मान लो, ये सी मान लो, ये आर मान लो, ऑल राइट, और ये सोर्स मान लो। सोर्स के बारे में आपको इतना बोला हुआ है कि ये 230 वोल्ट की वोल्टेज है और ये 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, आपको निकालना है कि इंपीडेंस कितना होगा, जेड कितना होगा। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दिस विल बी इट्स बेसिक फॉर्मूला। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट R। देखो R क्या आपको दे रखा गया, देखो R आपको गिवन है 50 ओम, क्योंकि R और XL और XC ये तीनों क्वांटिटीज जो है वो ओम में होती है, क्योंकि सारी ये क्या है अपोजिशन है। तो XL बोलूं मैं, XC बोलू या R, इन तीनों की जो यूनिट है ना वो क्या होगी आपकी ओम होगी। अच्छा तो ये R का वैल्यू क्यों ना पूछती हूं। अच्छा ये जो 20 अपॉन पाई हेनरी है वो किसका वैल्यू है, वो L का वैल्यू है या XL का वैल्यू है? देखो यहां पे देखो आप हेनरी आ रहा है ना हेनरी, इट मींस कि ये L का वैल्यू है, क्योंकि यदि XL होता तो ये ओम में आता, बट यहां पे हेनरी आ रहा है तो ये L का वैल्यू है, और यहां पे फैराड आ रहा है फैराड तो ये C का वैल्यू है। तो इसीलिए पहले अपन एक काम करते हैं कि XL निकालते हैं। XL होगा L into ओमेगा और L होता है 2 पाई into f into, सॉरी L तो गिवन है आपको कितना है 20 अपॉन पाई, ऑलराइट, और जो ओमेगा है वो होता है 2 पाई into फ्रीक्वेंसी f, और f गिवन है 50 हर्ट्ज, यहां आएगा 50, तो कोई इससे कटेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 20 इंटू टी, मतलब 2000 है ना ओम, क्योंकि आपने निकाल लिया XL का वैल्यू, ये ओम में आएगा। इसके बाद में हम निकालते हैं कि XC कितना होगा। XC आएगा 1 अपॉन C ओमेगा से आएगा, तो 1 अपॉन C ओमेगा, C का वैल्यू कितना है 5 बाय पाई, तो 5 अपॉन पाई पाई ऊपर आएगा, और माइक्रो में भी है तो 10 टू पावर माइनस 6। आगे बात करें ओमेगा के बारे में, तो ओमेगा विल बी 2 पाई इनटू f अगेन, एंड f इज 50 हर्ट्ज गिवन आपको, f इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। चलो आपको लाइट चली गई ना, तो देखो आप यहां से ये तो अपने ऊपर निकाल रखा है xl का वैल्यू, इसको अपन सॉल्व करेंगे ना, देखो पाई से पाई फिर से कटेगा, और इसको अपन देखेंगे तो 5 into 2 10, 10 into 5 50, तो 1 upon 50 इंटू टेन टू पावर कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, तब ये ऊपर आएगा रिवर्स होके, तो 10 टू पावर 5 मतलब कि 10 1 लैक है ना, अपॉन में कितना आएगा 50 आएगा, इससे ये कटेगा तो ये आपका अगेन कितना आएगा 2000 ओम आएगा, 2000 ओम ये आपका आ जाएगा XC का वैल्यू। दिस विल बी वैल्यू ऑफ XC, और एट द एंड अब देखो आप इसमें लास्ट में कि अभी आपको मालूम पड़ रहा है कि दोनों जो वैल्यूज है XL और XC वो क्या आ रही है आपकी सेम आ रही है। XL भी कितना आया था आपका 2000 ओम, और जो XC है वो भी कितना आ रहा है 2000 ओम। इट मींस कि जो कंडीशन दे रखी है आपको वो कौन सी है, रेजोनेंस वाली है, और रेजोनेंस के टाइम पे यदि XL XC के बराबर है तो जो इम्पीडेंस है Z वो कितना होता है, तो आपको लिखवाया था अभी अभी कि वो होगा R के बराबर है ना R। तो ये लास्ट पार्ट में यहां कर रहा हूं ना, तो ये अभी Z का जो फॉर्मूला है वो अपना आएगा समथिंग ये, भले आप ये वाला काम में चलो, XL भी कितना है 2000 माइनस XC भी कितना है 2000 का स्क्वायर बनेगा प्लस R स्क्वायर, R कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 50 ओम। तो इंपीडेंस आ गया दैट इज इक्वल टू 50 ओम है ना। हालांकि यदि आपको ये गिवन रहता है कि रेजोनेंस कंडीशन है तो डायरेक्टली अपना आंसर कितना आता 50 ओम, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस इंपीडेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे आप गिवन नहीं था तो अपन फाइंड कर लिया, XL निकाला, XC फाइंड कर लिया, अब हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है दोनों रेजोनेंस के अंदर है, तो इसका आंसर इतना है आपको, इसको आप नोट कर ले ठीक है, और आगे देखिए इसमें आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान दें। ओके देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट बोल रहा था आपको, इसमें जो एल का वैल्यू है वो 5 हेनरी है, सी का जो वैल्यू है दैट इज 80 माइक्रोफेरेड एंड आर का वैल्यू है 40 ओम एंड यहां पर जो सोर्स गिवन है आपको उसकी वोल्टेज कितनी है 240 वोल्ट है और इसके तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है एमुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड पार्ट है करंट एट रेजोनेंट टाइम रेजोनेंस टाइम और थर्ड पार्ट है वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस टाइम ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे जो कॉन्सेप्ट अपने काम में आएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो आप कि यहाँ पे तीनों एलिमेंट गिवन है आपको, एल भी है, सी भी है, आर भी है, सोर्स बैटरी गिवन है आपको 240 वोल्ट की, अच्छा डीसी बैटरी नहीं एसी बैटरी है, आपको तीन पार्ट निकालना है इसमें से। अच्छा एक चीज देखना कि अल्टरनेटिंग चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर यदि आपको कुछ दिया हुआ रहे और वहां मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो कौन सी वैल्यू है, जैसे मान लो कि ये 240 वोल्ट है सोर्स की वोल्टेज बोल रखी है, तो ये सोर्स की पीक वोल्टेज है या इसकी एवरेज वोल्टेज है या इसकी आरएमएस वोल्टेज है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि जो वोल्टेज जो होता है वो तीन टाइप का हो सकता है, पीक या इंस्टेंट या एवरेज या आरएमएस, तो इनमें से कौन सा वैल्यू गिवन है आपको। तो यदि इस अल्टरनेटिंग चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर यदि आपको कुछ भी मेंशन नहीं करता है तो बाई डिफॉल्ट आपको मानना है उसको आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, तो 240 वोल्ट जो है वो सोर्स का आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वोल्टेज है ई आरएमएस। अच्छा यहां और ध्यान दो, आपको यहां निकालना है करंट एट रेजोनेंस टाइम, अब फिर से यहां मेंशन नहीं करता करंट कौन सा निकालना है, क्योंकि करंट भी तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एवरेज करंट या आरएमएस करंट या पीक करंट, तो फिर से अभी अपने कौन सा निकालना पड़ेगा आरएमएस। तो यदि कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा करंट या वोल्टेज के आगे तो उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट आपने को फाइंड क्या करना होता है वहां पे आरएमएस वैल्यू उनकी, है ना। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर के अंडर में ना। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रिक्वेंस की आपको निकालना है ओमेगा आर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आसान है बिल्कुल, 1/√LC आज ही अपन ने बात की थी। अब यहां पे आप आराम से इनकी वैल्यूज पुट करो, आप एल जो है वो गिवन है, एल 5 हेनरी है, है ना, एल जो होता है वो दैट इज इन टर्म्स ऑफ हेनरी, सी विल बी इन टर्म्स ऑफ फैरड एंड आर विल बी इन टर्म्स ऑफ ओम, है ना। तो यहां पे सी इज गिवन दैट इज 5 × L = 5 × जो सी है वो कितना आपका 80 माइक्रो है, ऑलवेज फोकस ऑन प्रीफिक्स ऑल्सो, यहाँ पे माइक्रो लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइक्रो कितना होता है 10^-6, इसको आप सोल्व करें तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो आप इसको आप 8 × 5 = 40, तो 40 × 0 यहाँ 400 × 10^-6 तो ये आएगा 1/4 × 10^-4 ऐसे आएगा, है ना। तो यहाँ पे 10^2 बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव की पावर है तो इतना बन जाएगा, इसको आगे देखेंगे तो 1/2 बाहर आएगा और यहां से बाहर आएगा 10^-2। अब जब 10^-2 ऊपर आएगा रिवर्स होके तो बन जाएगा 10^2 ऊपर प्लस का, तो दैट विल बी इक्वल टू 100/√2 दिस विल बी 50। तो ओमेगा आर का जो वैल्यू आ गया दैट इज 50 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है भले कोई सी भी हो, ओमेगा हो या एफ हो, दोनों ही किसमें होती है, हर्ट्ज में होती है, तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो अपनी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। मतलब कि यदि सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी उस टाइम पर दिस विल बी सेट टू बी इन रेजोनेंस, सेट टू बी इन रेजोनेंस। तो सिंपली अपन ने फॉर्मूला काम में लिया, यहां पर एल को पुट किया आराम से, सी पुट कर दिया और जो सी का जो प्रीफिक्स है वो भी मैंने यहां पे रिप्लेस कर दिया। इसके बाद में इसको मैंने सॉल्व कर लिया, आई थिंक आप 12th में आ गए हो तो सॉल्व करने में इतनी आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी, कर लोगे आप आराम से ना, दिस विल बी 50 हर्ट्ज। ऑलराइट सेकंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है करंट एट रेजोनेंस टाइम, जो करंट सब में सेम होता है सीरीज में ना, करंट सेम होता है, बट यहां पे प्रॉब्लम ये है, दुविधा यहां पर ये है कि करंट कौन सा निकालना है। तो अभी आपको मैंने कह दिया कि करंट या वोल्टेज के बारे में यदि कुछ मेंशन नहीं कर रखा कुछ भी, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट आपको फाइंड क्या करना होगा आरएमएस, तो यहां पे आपको निकालना पड़ेगा आई आरएमएस। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I क्या होता है V / R,
है ना, तो यहाँ पे आएगा वी आर एम एस, या बोलते उसको आप ई आर एम एस, ई आर एम एस अपॉन आर, मतलब कि एलसीआर की बात हो रही है तो आर क्या होगा आपका जेड के बराबर होगा, एलसीआर में जो रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू जेड। अभी आप यहां पे और ध्यान दो, करंट निकालना है आपको एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, और रेजोनेंस के टाइम पर जेड जो होता है दैट इज सिंपली इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस आर। ये अभी अपन ने बात कर ली, तो यहां पे जो अपना आई आर एम एस है, करंट जो है सर्किट का आर एम एस वैल्यू, वो आएगा ई आर एम एस। अब ई आर एम एस क्या है, सोर्स की वोल्टेज है जिसकी आर एम एस वैल्यू, दैट इज गिवन 240 अपॉन आर, देखो आप आर रेजिस्टेंस है 40 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 6 एम्पियर। तो रेजोनेंस के टाइम पर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस जो सर्किट से करंट विड्रॉ हो रहा है उसकी आर एम एस वैल्यू कितनी होगी, 6 एम्पियर, है ना। तो देखो ध्यान रखना इसको आप, ये जो इक्वेशन लिखा है दैट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, v इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू कितना बनेगा, v अपॉन आर, बट यहाँ पे बात एलसीआर की हो रही है तो आर क्या बनेगा आपका, जेड बनेगा। अब बात यहाँ पे हो रही है रेजोनेंस के टाइम की, तो रेजोनेंस के टाइम पर जो इम्पीडेंस है दैट इज सिंपली इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कहानियां यहां से वापस यहां आ जाएगी, वैल्यूज पुट करेंगे द आंसर विल बी 6 एम्पीयर, नोट कर लीजिए इसको ना। और जो लास्ट पार्ट है दैट इज ऑल्सो इतना इजी पार्ट, थर्ड पार्ट को बोल रखा है व्हाट विल बी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अक्रॉस कैपेसिटर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, ना तो आपको निकालना है वी आर एम एस। फिर से ये दिक्कत यहां पे आ रही है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कौन सा निकालना है। पहली बात तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या है, वोल्टेज निकालना है। अब वोल्टेज भी कौन सा निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आर एम एस, है ना, कुछ मेंशन नहीं कर रखा इसलिए। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, आई आर एम एस इंटू, अब यहां पे बात कर रहे हैं अपन अक्रॉस कैपेसिटर सी के अक्रॉस, तो यहां पे जो वैल्यू है वो आएगी एक्स सी, वी इक्वल टू आई आर, बट यहां पे बात हो रही है कैपेसिटर के बारे में, तो आर कितना लिखे अपन एक्स सी के बराबर, तो आई आर एम एस तो अपन निकालिए पहले कितना आ गया, 6 आ गया, और एक्स सी की बात करिए तो एक्स सी कितना होता है, 1 अपॉन सी ओमेगा, सी इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा विल बी 2 पाई एफ, या एक और काम बोलो ना, 1 अपॉन सी ओमेगा, 1 अपॉन सी ओमेगा। अब ध्यान दो आप, 6 ऊपर है, अपॉन में सी इज गिवन दैट इज 80 माइक्रो, तो 80 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, एंड रेजोनेंस की बात कर रहा है तो जो ओमेगा है दैट इज गिवन ऑलरेडी अपने फाइंड कर रखा है 50 आएगा, यहां पर 50 आएगा, तो इस वैल्यू को आप सॉल्व करना, इस वैल्यू को That will be gives you potential drop across capacitor, ये देखो, है ना, देखो potential drop आएगा I into R से, but बात यहाँ पे only किसकी हो रही है, only for capacitor, तो यहाँ पे I into XC आएगा, I तो बताया अपने को कि I कितना flow करेगा RMS के time पर, resonance के time पे 6 होगा, XC को देखिए तो 1 upon C omega होगा, बाकी ये अपन put करेंगे, C is given already and omega अपन ने पहले find कर लिया first part में, इसको यहाँ रखेंगे अपना answer निकाल लेंगे। ओके ऑल राइट, तो एलसीआर के बारे में पूरी कहानी पढ़ ली अपन ने, लास्ट लेक्चर में ओनली अपन ने बात की थी एलसीआर के बारे में, और आज अपन ने पढ़ा है उसी एलसीआर का एक फिक्स कंडीशन, फिक्स केस, और वो होता है रेजोनेंस वाला, उस टाइम पर चीजें कैसे मॉडिफाई होती है और कहां कहां चेंजेज आते हैं वो अपन देख लिए, और दो क्वेश्चन भी कर लिए। ओके बाय, टेक केयर।